उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। उपचुनाव से पहले बीजेपी के लिए आई बड़ी बुरी खबर, और कैसे भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में बड़ा झटका लग सकता है, और अचानक क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली भागे भागे पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने, और कैसे यादव परिवार एक हो गया, यानी मुलायम परिवार एक हो गया और तेज प्रताप यादव को समर्थन किया जा रहा, और जिससे उम्मीद नहीं थी वो भी अब समर्थन करने जा रहे हैं। क्या है पूरी खबर, आज विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उन 9 सीटों में एक सीट ऐसी भी है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, और वो सीट है करहल सीट, क्योंकि यहाँ पर यादव वर्सेस यादव आमने सामने, यानी कि यादव परिवार के ही एक सदस्य को बीजेपी ने करहल से टिकट दिया, अनुजेश यादव को। समाजवादी पार्टी ने यादव परिवार के एक सदस्य को उतारा है, तेज प्रताप यादव को। लेकिन इन सब के बीच में अपने दर्शकों को बता दें कि जहां अपर्णा यादव ने सीधे सीधे तौर पर यादव परिवार को समर्थन कर दिया, तेज प्रताप यादव को समर्थन कर दिया, यानी कि परिवार टूटे ना, परिवार मुलायम सिंह यादव ने जो परिवार बनाया है वो टूटे ना, पार्टी टूटे ना, उसको ध्यान में रख के बीजेपी में रहकर अपर्णा ने सपा का समर्थन कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि खबर ये भी सामने आ रही है कि अब अनुजेश यादव की जो पत्नी है संध्या यादव, वो भी जी हाँ तेज प्रताप यादव का समर्थन करते नजर आ रही है। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि जहां अपर्णा यादव ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो बीजेपी की तरफ से करहल पर प्रचार प्रसार करने नहीं जाएंगी, तो वहीं संध्या यादव भी बीजेपी की तरफ से करहल में प्रचार प्रसार करने नहीं जाएंगी। यानी कि यादव परिवार की ये दोनों सदस्य अपर्णा और संध्या यादव ने सीधे तौर पर तेज प्रताप यादव को अभी से ही समर्थन दे दिया बीजेपी में रहते हुए, और ये देखा जा रहा है कि क्या वाकई ये एक बहुत बड़ा गेम कर दिया है अखिलेश यादव ने, क्योंकि परिवार को जोड़ने की बात वो लगातार कह रहे थे, और लगातार वो यादव परिवार को लेकर जिस तरीके से इमोशनल बातें कर रहे थे, क्या उसमें अपर्णा यादव संजय यादव फंस गई है। लेकिन इन सब के बीच में अपने दर्शकों को बता दें, अनुजेश यादव की पत्नी संध्या यादव जो ज्यादा एक्टिव हो गई है कि आखिरकार संध्या यादव जो मुलायम परिवार का ही हिस्सा है और यादव परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका रसूख बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, दबदबा है, तो क्या संध्या यादव का रसूख भी बड़ा है, और संध्या यादव के पास में कितनी संपत्ति है, क्योंकि संपत्ति को लेकर भी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, और कैसे यादव परिवार से उनका एक बड़ा रिश्ता है और कितनी संपत्ति है संध्या यादव की, देखिए। अनुजेश यादव की पत्नी संध्या यादव जो करोड़पति तो हैं, इसके साथ ही साथ उनके पास चल अचल संपत्ति भी इतनी है जो बताता है कि संध्या यादव का रिश्ता यादव परिवार से है। जी हाँ, संध्या यादव के पास 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि संध्या यादव के पास उनकी अपनी कोई गाड़ी तो नहीं, लेकिन संध्या यादव के पास कई प्रॉपर्टी भी है। यादव परिवार से बड़ा रिश्ता संध्या यादव का है, और यादव परिवार की ये पहली महिला हैं जिन्होंने राजनीति में कदम रखा था। अनुजेश यादव की पत्नी संध्या यादव, जिनका सीधे तौर पर अगर कहें तो ना तो कोई आपराधिक मुकदमा उन पर है और ना ही किसी तरीके का उन पर कोई आरोप है। बहुत सिंपल और साफ छवि की संध्या यादव तब से नाराज हैं यादव परिवार से, जब से यादव परिवार ने उन्हें और उनके पति दोनों को पार्टी से दरकिनार करना शुरू कर दिया था। संध्या यादव के पास कुछ किलो सोना और कुछ किलो चांदी भी है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि संध्या यादव ने राजनीति में अपनी जगह कुछ इस तरीके की बनाई हुई है कि संध्या यादव का दबदबा भी है। हालांकि संध्या यादव अपने पति अनुजेश यादव के साथ रहकर ही काम करती हैं, और सीधे तौर पर अगर बात करें तो
चार बार जिला पंचायत सदस्य, एक बार कार्यकारी जिला पंचायत अध्यक्ष, फिरोजाबाद पीसीएफ डायरेक्टर, कोऑपरेटिव डायरेक्टर मेनपुरी व फिरोजाबाद में अगर बात करें तो बड़ी जो जिम्मेदारी है वो संध्या यादव ने संभाली है। संध्या यादव के पास जो चल संपत्ति बताई जाती है वो है 89,56,820। तो वहीं उनके पास आभूषण 40 तोना सोना और 4 किलो चांदी बताई जाती है। उनके पास 3.25 लाख रुपए नकद भी हैं। संध्या यादव के पास कोई असलाह, कोई बंदूक या किसी तरीके की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि संध्या यादव समय पर अपना टैक्स भी भरती हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और अगर बात करें तो संध्या यादव जो है और अपर्णा यादव ने जिस तरीके से बीजेपी में रहकर सपा को समर्थन दे दिया, उसके बाद बीजेपी में बड़ी हलचल मच गई है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भागे भागे मिलने गए हैं, क्योंकि उपचुनाव से पहले बीजेपी के लिए स्थितियां फिलहाल ठीक होती नजर नहीं आ रही हैं। जहां समाजवादी पार्टी की बात करें तो चार से पांच सीटें वो आसानी से निकालती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें इस उपचुनाव में। लेकिन वाकई अब देखना होगा कि क्या बीजेपी को अगर समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में टक्कर दे देती है तो क्या जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस उपचुनाव में क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से ही मुख्यमंत्री बनाया जाना तय है, और क्या 2027 में सपा की सरकार बन सकती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।